एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी की बेटी एक्ट्रेस ईशा देओल ने शुक्रवार सुबह एक बेटी को जन्म दिया। फिलहाल उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है और उन्होंने अपनी नन्ही बेटी और पूरे परिवार के साथ पहली तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अब उनकी बेटी का नाम भी सामने आ रहा है। आपको बता दें कि ईशा की बेटी का नाम तय कर लिया गया है और ये नाम नानी हेमा मालिनी ने सबके सामने बताया। ईशा की बेटी का नाम राध्या रखा गया है जो कि राधा से निकला है। हेमा मालिनी ने बताया, राधा कृष्ण की नगरी मथुरा उनका संसदीय क्षेत्र है, इसलिए ये नाम सुनकर मथुरा के निवासी बेहद खुश होंगे। राधा रानी वहाँ के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हेमा ने कहा कि धर्मेंद्र जी भी इस नाम से बेहद खुश हैं। ये नाम ईशा और उनके पति भरत तख्तानी ने भी तय किया है। आपको बता दें कि ईशा देओल ने इसी साल अप्रैल में अपनी प्रेगनेंसी की खबर शेयर की थी। वो इंस्टाग्राम पर अक्सर अपने बेबी बम्प के साथ तस्वीरें भी पोस्ट करती रहती थीं। डिलीवरी के बाद ईशा फोटोग्राफर्स के सामने अपनी खुशी जाहिर करने से पीछे नहीं रहीं। ईशा की बेटी के जन्म की खबर के बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को दूसरी बार नाना नानी बनने का मौका मिला है। इससे पहले वो अपनी बड़ी बेटी आहना के ग्रैंड पेरेंट्स बन चुके हैं। आहना की शादी वैभव वोहरा से हुई है। उनका एक बेटा है।